हेलो गाइस, स्वागत है आपका विकास यूनिवर्सिटी में। और आज का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा वो रहेगा प्रिंटिंग एल अल्फाबेट इन सी लैंग्वेज इन स्टार पैटर्न। ठीक है गाइस, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल लगा रहा हूँ प्रिंट एफ स्कैनर फंक्शन के लिए। फिर मैं लगा रहा हूँ कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ये रहेगा मेरा अपने प्ले स्क्रीन और गेट करेक्टर दो में फंक्शन का यूज करूंगा। इसके लिए मैंने ये फाइल यूज की है और मैं एक मेन फंक्शन लगा रहा हूँ और इसके मेन फंक्शन के अंदर जो है मेरा पूरा प्रोग्राम बनेगा। ठीक है गाइस, और यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप के तीन अल्फ ले रहा हूँ वेरिएबल, जो कि होंगे आई जे के, आई जे और के, और तीनों से मैं क्या करूंगा, लूपिंग करूंगा। ठीक है गाइज, और आई मैं ले रहा हूँ 0 से, और मैं लूंगा जितने भी मैंने प्रोग्राम बनाया अल्फाबेट वाले वो मैंने बनाए हैं 11 तक के साइज के। ठीक है गाइज, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं लगाऊंगा एक और लूप जो कि होगा जे लूप, और जे लूप है मेरा, और ये मैं चलाऊंगा 3 बार, 0, 1 और 2, ये चलेगा मेरा 3 बार। और तीनों बार ये क्या करेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट करेगा, और तीनों बार क्या करेगा, ये स्टार प्रिंट करवाएगा। ठीक है, एक स्टार में यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, हर बार लूप चलेगा और हर बार 3 स्टार मेरे यहाँ पे प्रिंट होंगे, जस्ट 3 स्टार। अब मैं जो ये मेरे पास के लूप बचा है, अब मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ के वेरिएबल, और ये मेरा चलेगा 1 से 5 तक, और मैं इसको करते रहूंगा पोस्ट इंक्रीमेंट। और इसके अंदर के लूप के अंदर मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं, एंड ये मैंने लगाया एंड ऑपरेटर, अगर आई 9 से छोटा है और 11 के बराबर है, अगर ये दो कंडीशन मेरी मैच करती है, अगर ये दो कंडीशन मेरी मैच करती है तो क्या करें, तो ये स्टार प्रिंट करवाएं। कितने स्टार में प्रिंट करवा दूं, करवाऊंगा यहाँ पे 2 स्टार यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा। अदरवाइज अगर ये वाली कंडीशन मैच नहीं करती है तो भी मैं क्या करूंगा, प्रिंट करवाऊंगा, बट यहाँ पे मैं स्टार प्रिंट नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे मैं 2 स्पेस प्रिंट करवाऊंगा। यहाँ पे मैं एक स्टार, एक ही स्पेस प्रिंट करवा लेता हूँ गाइस, क्योंकि नहीं तो 1 स्पेस ओनली। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने एक स्पेस अपना प्रिंट करवा लिया है। अब मैं यहाँ पे अपना के लूप भी, अपना के लूप जो है वो भी मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, और इसके बाहर मैं क्या कर रहा हूँ, एक फिर से प्रिंट एफ में क्या कर रहा हूँ, न्यू लाइन प्रिंट करवा रहा हूँ, ताकि जो मेरे जितने भी स्टार है वो कैसे प्रिंट हो, वो मेरे न्यू लाइन में प्रिंट हो। यहाँ मैंने कौन सा लगाया, गेट करेक्टर फंक्शन, जो क्या करता है, रिजल्ट स्क्रीन को होल्ड करता है। और यहाँ पे मैं एक और फंक्शन लगाऊंगा जो कि है क्लियर स्क्रीन का फंक्शन, ताकि हर बारी मेरी स्क्रीन कैसी रहे, क्लियर रहे। अब यहाँ पे मैं कंपाइल करता हूँ, कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करता हूँ। ये देखिए मेरा जो एल है, अल्फाबेट स्टार पैटर्न में, वो क्या हो गया, वो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और विकास इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।